एक समंदरी तूफान बिपरजॉय की पेशकदमी जारी है। कराची से फासला कम होकर 340 किलोमीटर रह गया है। तूफान का रुख शुमाल के मशरक की जानब है, जबकि 15 जून की दोपहर केटी बंदर से गुजरेगा। समंदर में शदीद तुफानी और 8 से 12 फीट ऊंची लहरें उठ रही हैं। हवाओं के झक्कर चलेंगे। बिपरजॉय के अतराफ में 170 किलोमीटर फी घंटा की रफ्तार से हवाएं और 30 फीट तक लहरें बुलंद होने लगी। सजावल और केटी बंदर में सतह समंदर आज बुलंद होगी। खारोचान के कई देहात जेरे आब आ गए। बदीन के साहली इलाकों में पानी माहीगीरों की बस्ती के करीब पहुंच गया। पाक फौज और बहरिया की साहली इलाकों में इमदादी कार्रवाइयां जारी हैं। सिंध की साहली पट्टी से आबादियों का इनखिला जारी। सैकड़ों अफराद को महफूज मकामात पर मुंतकिल कर दिया गया। इमारतों को खाली करवा लिया गया। कराची में तालीमी सरगर्मियां मुअत्तल रहीं। तूफान बिपरजॉय कल केटी बंदर से टकराने का इम्कान है। केटी बंदर पर हवाएं चल रही हैं, जबकि समंदरी लहरों की बुलंदी में कमी आई है। मजीद तफसीलात जानेंगे केटी बंदर पर मौजूद अपने नुमाइंदे अमर लाल से। जी अमर लाल, बताइएगा। इस वक्त मौजूद हूँ ठट्टा के साहली शहर केटी बंदर में। केटी बंदर के बिल्कुल समंदर के किनारे पर मौजूद हूँ, जहाँ पर मौकमे मौसमियात की तरफ से ये बताया गया है कि बड़ा ख़तरनाक तूफान है जो इस वक्त शिद्दत अख्तियार कर चुका है। आज तेज़ और ठंडी हवाएं तो चल रही हैं, समंदर में लहरें मौजूद हैं। जो लहरें दो दिन पहले थी बड़ी 10 से 12 फुट चल रही थी, उनमें कमी आई हुई है। इस वक्त मेरा कैमरा मैन आपको समंदर का रुख दिखा सकता है कि समंदर में बिल्कुल तेज़ी तो नज़र आ रही है, लेकिन वो जो लहरें थी वो हमें नज़र नहीं आ रही है, जो दो दिन पहले बताई जा रही थी कि लेकिन जो 15 अक्टूबर को बताया जा रहा है कि समंदर केटी बंदर के समंदर से यही तूफान जो टकराएगा, उस हवाले से मुकम्मल तौर पर इकदाम तो किए जा रहे हैं। शहर मुकम्मल तौर पर खाली कराया गया है। यहाँ से लोगों को दूसरी तरफ शिफ्ट कर दिया गया है। यहाँ पर रेवेन्यू का अमला मौजूद है। इसके साथ पुलिस और फौज के जवान भी इधर मौजूद है, जो यहाँ से लोगों को शिफ्ट भी कर रहे हैं। समंदरी तूफान के बाईस कोस्टल हाईवे कुंडमलीर में समंदरी लहरों में तुखियानी आ गई है। समंदरी पानी कुंडमलीर के मछली मार्केट में दाखिल हो गया है। इसी पर बात करेंगे हमारे साथ मौजूद हमारे नुमाइंदे दीदार अली से। दीदार अली, बताइएगा मार्केट में इस वक्त क्या सूरत हाल देख रहे हैं। जी बिल्कुल, ये कोस्टल हाईवे पर पाकिस्तान का खूबसूरत पिकनिक पॉइंट है कुंडमलीर। वहाँ पर एक मछली मार्केट है, जहाँ पर मछेरे अपनी मछली आकर फरोख्त करते हैं। वहीं पर वो जो मछली मार्केट में काम करते हैं उनके क्वार्टर्स भी मौजूद हैं। समंदर की लहरें इस वक्त बुलंद हो रही हैं और मछली मार्केट जो और जो क्वार्टर्स वहाँ मजदूरों के क्वार्टर्स हैं उनमें पानी दाखिल हो गया है, जिसकी वजह से वहाँ पर जो मौजूद लोग थे वो नकल मकानी कर चुके हैं। ताम पानी जो है वो मार्केट और जो कमरे बने हुए मजदूरों के उनमें दाखिल हो चुका है। दीदार अली, बहुत शुक्रिया अपडेट करने के लिए। कराची में साहिल समंदर पर दफा 144 की खिलाफ वर्जी। फैमिलीज और मनचले नौजवान तमाम तर रुकावटें उबूर करके साहिल पर पहुंच गए। पुलिस ने मुतादिद अफराद को गिरफ्तार भी कर लिया। मजीद जानेंगे अपने नुमाइंदे करीम मलिक से। जी करीम मलिक, बताइएगा। जी बिल्कुल, इस वक्त मैं सीव्यू डेवल पॉइंट पर मौजूद हूँ, जहाँ पर समंदर अपनी शिद्दत इख्तियार कर चुका है। तेज़ तूफानी हवाएं भी चल रही हैं। अगर आप मेरे अकब में देख सकते हैं कि कितने लोग इस वक्त यहाँ मौजूद हैं, और जहाँ तक मेरी नज़र जा रही है वहाँ पर लोग 144 की शदीद खिलाफ वर्जी की जा रही है। सिंध हुकूमत की जानिब से ये अहकाम जारी कर दिए गए थे कि साहली पट्टी पर किसी भी शहरी का आना मना है, लेकिन सिंध हुकूमत के अहकाम की धज्जियाँ उड़ा दी गई हैं। पुलिस पेट्रोलिंग भी की जा रही है, वक्ता फ़वक्ता यहाँ से मुतअद्दिद लोगों की गिरफ्तारी भी की जा रही है, लेकिन मुख्तलिफ जगहों से गलियों से रुख करके साहली पट्टी पे आ रहे हैं। और यहाँ पर मंजिले नौजवानों का और फैमिलीज का कहना है कि हम यहाँ पर तूफान का मंजर देखने आए हैं और ये लहरें देखने आए हैं, और यहाँ पर चाय सेशन चल रहे हैं, फोटो सेशन चल रहे हैं। और जब से तेज़ हवाओं का सिलसिला और समंदर ने शिद्दत इख्तियार की है, पुलिस पेट्रोलिंग भी पिछले एक घंटे से यहाँ नज़र नहीं आ रही, और अब वक्ता फ़वक्ता लोग यहाँ आते जा रहे हैं और बच्चे भी इस वक्त यहाँ मौजूद हैं। अगर मेरे कैमरा मैन आपको दिखा सके तो इस वक्त छोटे बच्चे इस जगह मौजूद हैं और समंदर की लहरें बुलंद हो रही हैं और किनारे तक पहुंच रही हैं, और तेज़ रफ्तार लहरें यहां तक के हमारे तक भी लहरें पहुंच रही हैं, और उसके बावजूद बड़ी बेध्यानी का एक मंजर है। कराची में साहली समंदर पर दफा 144 के बावजूद फैमिली नौजवान तमाम तर रुकावटें उबूर करके साहली समंदर पहुंच गए। करीम मलिक अपडेट कर रहे थे, आपका बहुत शुक्रिया।